Good morning to everyone and hello everyone. Now, welcome back to the St. Thomas School official channel, Kandwa Chatra. अब देखिए ये क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का ये पार्ट 4 है. इकोनॉमिक्स का पार्ट 4 है क्लास 10th का. हम लोग क्लास पार्ट 3 पर जीडीपी तक हम लोग पढ़ चुके थे. वो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. अब हम लोग पार्ट 4 में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट्स पढ़ेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखने से लग रहा है हिस्टोरिकल लग रहा है ना. तो हिस्टोरिकल मतलब होता है हिस्ट्री, इतिहास. हम लोग इतिहास पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी पर क्या क्या घटना घटा था. लेकिन हम लोग का इंडियन इकोनॉमी पर क्या क्या घटना घटा था उसके लिए हम लोग 1950 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. 1950 से 1950 आफ्टर बिफोर नहीं, पीछे नहीं पढ़ेंगे हम लोग. पीछे इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उस समय हम लोग का इंडियन इकोनॉमिक नहीं था. वो किसका था? यूरोपियन इकोनॉमिक पर वो फॉलो किया जाता था. क्योंकि भारत हम लोग का कब आजाद हुआ था? 1947 में हम लोग का इंडिया आजाद हुआ. इसके कारण हम लोग ये, और इसके कारण आप सोच रहे 3 साल और हम लोग क्यों नहीं 40, ठीक है, दो साल और क्यों नहीं 48, 49, 50 तक क्यों नहीं? तो यहां पर इसलिए नहीं हुआ. यहां पर ध्यान से देखिएगा कि बहुत कुछ सोचते हैं कि हम लोग जब भी पढ़ते, ये इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमिक में हम लोग 1950 के आगे हम लोग करते, ना कि 1950 से पीछे. और 1947 तक तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ये तो कंफर्म है. और हम लोग 1947 तक आजाद नहीं हुआ था. 1947 आया, 15 अगस्त 1947 आया, तब हम लोग का देश क्या हुआ? आजाद हुआ. लेकिन हम लोग का इंडियन इकोनॉमी क्या करता है? हम लोग का 1950, क्योंकि हम लोग का जब 1951 से हम लोग का कौन सा योजना स्टार्ट किया गया था? जो हम लोग के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक योजना स्टार्ट किया जिसको हम लोग बोलते हैं पंचवर्षीय योजना. जिसको क्या बोलते हैं? 5-year plan. क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना बोलिए या 5-year plan बोलिए. ये एक हम लोग का स्टार्ट किया गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार. तो हम लोग का जब हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर पढ़ेंगे तो हम लोग का यहाँ पर तो इंडिया के बारे में है, तो इंडियन इकोनॉमिक पढ़ेंगे. अगर यहाँ दूसरा देश के बारे में तो दूसरा देश के बारे में पढ़ते. मतलब कि सबका अपना देश का इकोनॉमिक क्या है? अलग अलग है. हिस्ट्री अलग अलग है. सबका देश का इकोनॉमिक का हिस्ट्री सेम नहीं है. यूरोपियन पढ़ेंगे तो यूरोपियन में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में देगा, इंडस्ट्रीज के बारे में देगा, लेकिन उसको तो नहीं. लेकिन हम लोग का इंडिया, मतलब कि भारत का बात है, तो सबसे ज्यादा किस पर हम लोग का फोकस होगा? एग्रीकल्चर पर फोकस होगा. किस पर? एग्रीकल्चर पर फोकस होगा. और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग का जो हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर था, हम ये तीन पार्ट में आप लोग भी जानते हैं. प्राइमरी इज प्रोड्यूसर, सेकेंडरी इज मैन्युफैक्चरर, और टर्शियरी इज सर्विसेज. ये याद है ना? तो हम लोग इसको तीन पार्ट में हिस्टोरिकल चेंजेस सेक्टर को देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग का 1915 हुआ, 51 आया था, तो हम लोग का गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस होता था प्राइमरी सेक्टर में, वो भी एग्रीकल्चर पर. क्योंकि हम लोग का जो देश था उस समय बहुत ही कमजोर स्थिति पर था, बहुत ही खराब जीडीपी था और बहुत ही खराब था. जो कि प्राइमरी, इस समय सेकेंडरी का कोई बोलबाला नहीं था. सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर कुछ नहीं होता था. प्राइमरी से डायरेक्टली टर्शियरी पे जाता था. टर्शियरी भी उतना नहीं था पहले जितना आज हम लोग का जो सर्विस सेक्टर डेवलप है ना, उस समय उतना नहीं था. प्राइमरी में सबसे ज्यादा फोकस किया गया. 5-year plan में हम लोग का प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा फोकस किया गया. प्राइमरी में इसलिए फोकस किया गया क्योंकि उस समय गरीबी का हालत बहुत देश था, बहुत ही बुरा हालत था, और प्लस में किसी को खाना खाने के लिए नहीं मिलता था. इसलिए हम लोग का एग्रीकल्चर, ये सब सेक्टर को हम लोग का किया गया. और हम लोग का सबसे ज्यादा फोकस कब किया गया था? यहाँ पर डेट, सबसे पहले ईयर को हम मेंशन करें, ईयर कब कब हम लोग का हुआ, उसके बाद हम लोग देखेंगे. 1951 से लेकर के 1960 तक, इसके बीच में सबसे ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन और एग्रीकल्चर आया था. ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हरित क्रांति. ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं? हरित क्रांति. जो इसी के बीच में हम लोग का इंडियन इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हुआ, और इसी के बीच में हम लोग का केमिकल्स का यूजेस भी हुआ. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जानते हैं ना, HYVS, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ये सब का हम लोग का सबसे ज्यादा आया, सबसे ज्यादा यूजेस होना स्टार्ट हुआ 1951 से लेकर 1960 पर.
फिर हम लोग उसके बाद 1960 के आगे क्या हुआ, अब हम लोग का क्या होने लगा, सेकेंडरी सेक्टर का बोलबाला क्या हो गया, बढ़ गया। सेकेंडरी सेक्टर का बोलबाला क्या हो गया, बढ़ गया। कैसे बढ़ा, क्योंकि 1960 के बाद हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्री आने का बहुत ज्यादा हुआ। मतलब कि आप देखिएगा बहुत सारा हम लोग का जो तीसरे पर जो थर्ड फाइव ईयर प्लान है और सेकेंड फाइव ईयर प्लान में बहुत सारा इंडस्ट्री आया, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में भी आया। अगर हम लोग का जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो हम लोग का झारखंड में बना हुआ है, ये हम लोग का इंडिया में सबसे पहला हम लोग का बना था, वो भी हम लोग का 1948 में इंडिपेंडेंस इंडिया में बना था, मतलब कि आजाद भारत में, आजाद भारत से भी पहले बना हुआ था। अंकलेश्वर गुजरात का अंकलेश्वर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जहां तेल है, वो हम लोग का ब्रिटिशर्स के समय पर बना हुआ था। लेकिन हम लोग का 1940 में हम लोग का डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो था हम लोग का बना था, ये इंडिपेंडेंट इंडिया का था। 1960 के बाद हम लोग क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा हुआ, और इंडस्ट्रीज क्या करने लगा, मैन्युफैक्चर करने लगा। इंडस्ट्रीज क्या करने लगा, मैन्युफैक्चर करने लगा। जब मैन्युफैक्चर करने लगा तो इसमें से क्या होगा, जब हम लोग का प्राइमरी भी ज्यादा डेवलप कर रहा है, सेकेंडरी भी ज्यादा डेवलप कर रहा है, सेकेंडरी भी जब मैन्युफैक्चर हो गया तो सर्विस सेक्टर क्या रहेगा, धीरे रहेगा, सर्विस सेक्टर भी तो बढ़ेगा ना, क्या होगा, सर्विस सेक्टर बढ़ता जाएगा। फिर उसी के बाद 1960 के बाद इंडिया का जीडीपी जो था, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, वो हमेशा हायर 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 होता गया। जो आज भी आप जान रहे कि हम अभी तो हम लोग का बीमारी है, जीडीपी खराब है, लेकिन पहले हम लोग का जीडीपी, हम लोग का एवरेज बोला जाता है कि हाईएस्ट हम लोग का जो इंडिया का जीडीपी है वो हम लोग का 7-8% के बीच तक हाईएस्ट गया है इंडिया का जीडीपी, जैसे हम लोग का ग्रोथ कर रहा है। तो इंडिया का जीडीपी क्या है, प्राइमरी के थ्रू ग्रोथ करेगा, सेकेंडरी के थ्रू ग्रोथ करेगा, और टर्शियरी के थ्रू ग्रोथ करेगा, और किसी के थ्रू तो ग्रोथ नहीं करेगा, अभी तो यही है आपका जो इस बुक्स में है यही है, लेकिन इसका अलग डिफाइंड हो जाएगा जीडीपी का, जब आप इसके आगे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ेंगे उसके आगे। नाउ अब हम आगे इसके आगे, नाउ अब देखिए हम लोग का यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी तो ये हो गया हम लोग का डेवलप्ड हो गया, लेकिन हम लोग का जो टर्शियरी सर्विस सेक्टर है वो डेवलप्ड होने के बाद हम लोग का क्या क्या इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ा। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग टर्शियरी सेक्टर को पढ़िए और कॉपी में राइट नोट्स कर लीजिए। अब ध्यान देते कि इंपॉर्टेंस इसका क्या है, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं बेसिक सर्विसेज, हम लोग का क्या हुआ, बेसिक सर्विसेज में क्या क्या डेवलप हुआ। हॉस्पिटल, बताइए टर्शियरी सेक्टर है तो सर्विस सेक्टर है तो हॉस्पिटल का भी डिमांड क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग हॉस्पिटल का डिमांड बढ़ रहा है ना, जिस तरह बीमारी के कारण अभी ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी हम लोग ज्यादा कुछ भी अगर वायरल इन्फेक्शन होता है या वायरल फीवर होता है तुरंत हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो बताइए इसका डिमांड बढ़ा अभी हॉस्पिटल का। अब नेक्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन लिखे इसके आगे इंस्टीट्यूशन। अब बताइए हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि हम लोग का बच्चा अच्छा से पढ़े, अच्छा से कोई मतलब कि अच्छा पोस्ट में जाए, अच्छा नौकरी करे, ये होता है। तो बताइए इसमें एजुकेशन भी तो सर्विस सेक्टर हो गया, इसका भी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, हमेशा बढ़ रहा है ना, पर डे बाय डे हम लोग का क्या हो रहा है, इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। उसके बाद है पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज है ना, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का भी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम लोग का जो भी अगर कुछ भी अगर रहता है ट्रेड के लिए, मतलब कि अगर सर्विसेज के लिए एक जगह से दूसरी जगह हम लोग को लेटर भेजना है या कुछ भी भेजना है, पार्सल करना है, तो हम लोग पोस्टल सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। और बहुत सारा है बेसिक सर्विसेज में, बहुत सारा है, जैसे आपका पुलिस स्टेशन हो गया आपका, और पुलिस स्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट हो गया, जो आप मोबाइल यूज, अभी आप जो मोबाइल देख रहे हैं मोबाइल भी आपका क्या थ्रू में आ गया, बेसिक सर्विसेज में आ गया थ्रू इंटरनेट। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर नहीं होगा तो एक बार फिर से इसको वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा ना। अब हम लोग का क्या होता है, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। तो माइनिंग और एग्रीकल्चर किस सेक्टर पे आता है, प्राइमरी सेक्टर पे आता है। माइनिंग और एग्रीकल्चर किस सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। नीडेड एंड डिमांडेड मोर सर्विसेज। अब देखिए टर्शियरी सेक्टर डेवलप किया तो माइनिंग और एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी क्या हुआ, नीडेड एंड डिमांडेड मोर सर्विसेज, इसका जरूरत और इसका जो डिमांड है सर्विसेज में ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया। अब बताइए एग्रीकल्चर, खाने पीने का सामान का ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ा ना, बढ़ा, तो क्या हुआ, इसमें सर्विसेज आएगा तभी ना एग्रीकल्चर होगा।
अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्या हमारा एरिया झारखंड में एप्पल होता है, सेब का खेती होता है? नहीं ना होता है, वो ठंडा प्रदेश से जम्मू एंड कश्मीर से आता है। तो बताइए वो कैसे आ रहा है? इसके थ्रू आ रहा है, सर्विसेज के थ्रू आ रहा है। अखरोट होता है? नहीं होता है, वो किसके थ्रू आ रहा है? सर्विसेज के थ्रू आ रहा है। अब ये समझे ना, अब माइनिंग एक्टिविटी एग्रीकल्चर का तो बता दिया, अब माइनिंग एक्टिविटी मान लीजिए जहां पर हम लोग का आयरन ये सब नहीं होता है तो वो कहां कैसे जाता है? आयरन, आयरन का डेवलप, आयरन का प्रोडक्शन नहीं होता है ना, कोल का प्रोडक्शन होता है, तो वो किसके थ्रू जाता है? वो सर्विसेज थ्रू के जाता है। ये हो गया, ये हम लोग का टर्जरी सेक्टर का डिमांडेड बढ़ गया। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, एज इनकम लेवल ऑफ पीपुल रोज, कौन सा रोज है ये? ROSE, कौन सा रोज है? फूल वाला रोज है? नहीं, ये आपका लिखा गया है राइस का, मतलब कि ये जो आगे इनकम जो बढ़ता है रोज होता है उसके बारे में। और ये आपका कौन सा टेंस में है, कौन सा फॉर्म में है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। रोज कौन सा फॉर्म में है, राइस का कौन सा फॉर्म में, उसको जरूर लिखिएगा। अब देखिए, अब सर्विसेज इसमें टर्जरी सेक्टर बढ़ा तो अब इनकम ही डेवलप करेगा, इनकम डेवलप करेगा तो लाइफ ऑफ मतलब कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी डेवलप करेगा। लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप करेगा तो हम लोग सारा चीज अच्छा से मेंटेन कर लेंगे। हम लोग अब कार महंगा फोन ये सब हम लोग क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ता जाएगा। इनकम बढ़ेगा तो पीपुल का भी डिमांड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और उसके बाद हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फोर, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण, जिसको क्या बोलते हैं वैश्वीकरण। ये हमारा इंडिया पर ही नहीं, ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड पर डिपेंड है। हर चीज पूरे वर्ल्ड पर डिपेंड है, हर सर्विसेज सेक्टर यहाँ से हम लोग का होता है। कभी भी कोई भी हम लोग बोलते हैं हम लोग इस सामान का बहिष्कार करेंगे, इस सामान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हर देश हर जैसा सामान कभी भी बना नहीं सकता है, वो हमेशा अपना अलग अलग सामान ही बनाता है। जो हम लोग जैसे कि एग्जांपल लेते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में अगर देखा जाए जापान और इंडिया के एग्जांपल लेते हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग का जापान सबसे ज्यादा है, सबसे आगे है, लेकिन क्या उसके पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं? नहीं है। लेकिन तभी भी उसके पास टेक्नोलॉजी के अनुसार कैसे हो जाता है, क्योंकि वो आप लोग को एक बात जानकर के हैरानी होगा, झारखंड से हमारा टाटा से जमशेदपुर में जो टाटा है वहां से हम लोग का आयरन और स्टील रॉड यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है जापान में, ट्रांसपोर्ट किया जाता है जापान में, जो यहाँ से परचेस करके वहां ले जाया जाता है। वो हो गया, क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ये हो गया। तो चलिए आप इसका पार्ट यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग अच्छा से सेफ से रहिए, घर पे रहिए, और आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, और लाइक कमेंट शेयर ये सब जरूर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका कमेंट कीजिए, और प्लीज प्रेजेंट सर लिखिएगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।